नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। राजगढ़ पुलिस द्वारा इन दिनों लगातार धरपकड़ की जा रही है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दरअसल सूचना इस तरह की मिल रही है कि इन वाहनों के माध्यम से जहां सामानों की आवाजाही इधर उधर की जा रही है, तो वहीं चोरी के माल को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिलने के बाद कि परसाना तरफ से सुठालिया की तरफ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सूचना पर थाना प्रभारी सुठालिया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराकर वैष्णो देवी मंदिर के आगे मधुसूदनगढ़ रोड पहुंचकर टीम के साथ वाहन चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक शख्स को जब रोका गया, तब नाम पता पूछने पर, इधर उधर की बात करने पर उसकी तलाशी ली गई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सागर लोधी बताया। पूछताछ के बाद उस युवक के पास से एक देशी कट्टा, 12 बोर का जिंदा कारतूस और इसके अलावा चोरी के मोबाइल भी जब्त किए गए। एसडीओपी व्यावरा किरण अहिरवार ने इस पूरे मामले का खुलासा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले में लगातार संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तारतम्य में एसपी महोदय और एडिशनल महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग की जाए। इसी सघन वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता थाना सुठालिया को मिली है। ये 27 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी को कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो पारसाना से सुठालिया की तरफ आ रहा है और इसके पास हथियार हो सकते हैं और ये कोई घटना को अंजाम दे सकता है। इस मुखबिर सूचना पर विश्वास करते हुए वैष्णो देवी मंदिर के पास वाहन चेकिंग की गई। ये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करी तब इसने ये मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार करी है। इस प्रकार यह दूसरा व्यक्ति है प्रेम सिंह लोधी, इससे एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। इस प्रकार आरोपी सागर लोधी से 3 कट्टे, 1 जिंदा 12 बोर का राउंड और 11 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और कुल मशरूका कीमती 2,33,000 रुपये का है। दूसरे आरोपी रैकम लोधी से 1 मोटरसाइकिल, 2 MI कंपनी के मोबाइल, कुल मशरूका 52,000 रुपये का जब्त किया गया। इस प्रकार दोनों आरोपियों से 285,000 रुपये का मशरूका बरामद किया।